क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू आई लव दिस मेटियर 350 रॉयल एनफील्ड की जो 350 सीसी सेगमेंट में क्रूजर बाइक लॉन्च हुई थी, उसको मैं इतना पसंद क्यों करता हूँ। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई मेटियर के अलावा भी कोई दूसरे वीडियो बनाओ। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा अगर आपको वीडियो देखेंगे तो ये बाइक के बारे में देखेंगे। मैंने हर एक चीज़ ये बाइक की टेस्ट की है, माइलेज है, ग्राउंड क्लियरेंस है, ABS टेस्ट है। ये बाइक मेरे पास अभी थोड़े दिन से है एंड मैंने इसको सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चलाया। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है बाइक के बारे में, स्पेशली जब आप इसको सिटी में राइड करते हो। अगर आप देखोगे ना, मैं सेकेंड गियर में हूँ, 15-10 की स्पीड पे सेकंड गियर में भी बाइक आराम से चल रही है। मैं क्लच भी नहीं दबा रहा हूँ, अब तो दबाना पड़ेगा बिकॉज सामने गाड़ी आ गई, तो क्लच भी नहीं दबा रहा हूँ मैं। तो इसका जो लो एंड टॉर्क है ना, वो बहुत अच्छा है। देखो मैं 20 से नीचे की स्पीड में चल रहा हूँ। आई नो दिस इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इससे क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, उस पर असर पड़ता है। इसका जो गियर है सेकेंड एंड थर्ड गियर, आप बिलो 30 की स्पीड तक यूज़ कर सकते हो। तो ये एक पहली चीज़ मुझे ये बाइक की लगी। जो टॉर्क है ना, वो बहुत इंस्टेंट आता है। अभी आप देखो, टॉर्क जो है ना, वो बहुत इंस्टेंट आता है। आप सेकंड गियर में है या फिर थर्ड गियर में है, फोर्थ गियर में, अभी आप देखिए फिर से। आई डोंट वांट टू राइड इट फास्ट इन द सिटी। और दूसरी चीज़ है इसकी हैंडलिंग। बाइक का वेट ऑलमोस्ट 190 किलो है एंड 190 किलो की बाइक को सीटें के अंदर चलाना, वो भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, एक बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन ये बाइक का जो टर्निंग रेडियस है, इस बाइक की जो हैंडलिंग है, बहुत अच्छी है। अब व्हेन आई से हैंडलिंग, जब भी आप सिटी में चलाते हो तो ऑब्वियसली यार ट्रैफिक तो रहेगी। सो अब आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पे अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 1:40। तो ये टाइम पे भी ट्रैफिक काफ़ी है और ज़्यादा ट्रैफिक होती है मॉर्निंग में एंड इवनिंग के टाइम पे। आप जब मॉर्निंग ऑफिस जाते हो तो ट्रैफिक आपको पक्का मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक में ये बाइक को हैंडल करना बहुत ईजी है। अभी आप देख लो, आप खुद देख लो कितना ईजी से ये बाइक को चला पा रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसा दो गाड़ियों के बीच से निकालने में, ऐसा फिल्टर करने में ट्रैफिक के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। और हालांकि वेट 190 किलो को हैंडल करना ट्रैफिक में बड़ा टास्क होता है, लेकिन हैंडलिंग बहुत अच्छी है बाइक की। मैं कहूँगा कि क्रूजर सेगमेंट में, अगर आप सिटी में चलाने के लिए कोई क्रूजर सेगमेंट की बाइक देख रहे हैं डेली राइड के लिए, दिस कैन बी द बेस्ट बाइक। और वैसे भी 350 सीसी सेगमेंट में क्रूजर बाइक कितने हैं यहाँ पे इंडिया में, हार्डली एक दो रहेंगे। हालांकि एवेंजर है 160 या फिर 220, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन 350 सीसी सेगमेंट में ये एक ही बाइक है क्रूजर सेगमेंट में जो आप डेली चला सकते हैं। तो ये है दूसरी चीज़ जो मुझे ये बाइक में बहुत अच्छी लगी। तीसरी चीज़, 350 सीसी का जो इंजन होता है ना, ओबियसली जब आप ट्रैफिक में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या थर्ड गियर में चलाते हो तो हीट होता है, लेकिन ये एक ऐसी इकलौती बाइक है मेरे हिसाब से 350 सीसी सेगमेंट में जो बिल्कुल गर्म नहीं होती है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है। देखो आप एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हो मेरे पैर एकदम इंजन के बाजू में है। 5 किलोमीटर चलाओ या फिर आप 20 किलोमीटर चलाओ या फिर 30 किलोमीटर चलाओ, ट्रैफिक में बिल्कुल भी बाइक गर्म नहीं होती है। उतनी ज़्यादा कोई भी बाइक ओवरहीट नहीं होती है कि ट्रैफिक में आपको चलाने में दिक्कत हो जाए, स्पेशली ये सेगमेंट में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक दबा के गर्मी रहेगी एंड हैदराबाद में गर्मी बहुत बढ़ती है भाई। गर्मी में जब आप चलाते हो ना तो बहुत दिक्कत होती है अगर बाइक गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। आप एक बार टेस्ट राइड लेके देख लो, ये टाइम पे शोरूम में जाओ आप 12-1 बजे, वो टाइम पे टेस्ट राइड लो, 5-6 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का टेस्ट राइड लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट था जो मुझे ये बाइक के अंदर बहुत अच्छा लगा। और ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप डेली चलाते हो ना बहुत मायने रखती है। तो इसकी चौथी चीज़ है इसका माइलेज। सिटी में अगर आप ये बाइक को चलाओगे तो आराम से आपको 35+ का माइलेज मिलेगा। एंड अगेन, माइलेज जो चीज़ होती है ना, वो आपकी राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड करते हो, क्या स्पीड पर राइड करते हो, कौन से गियर में राइड करते हो। ये देखो भाई साहब को कितनी जल्दी है भाई, पुलिस बैठी है आराम से और वो सिग्नल तोड़ के जा रहा है। माइलेज पार्ट है ना, मुझे ये बाइक का बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो ना, आपको 40+ का माइलेज दो लोगों के साथ मिल जाएगा। अगर आपके साथ पिलियन भी है, आप 80-90 की स्पीड पे आप चला रहे हो, तो आपको आराम से 40+ का माइलेज मिल जाना चाहिए इससे। और मैंने तो खुद माइलेज का टेस्ट भी किया था, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। सो पाँचवीं चीज़ जो है वो है इसकी सीट। आप कोई भी बाइक चला लो, रॉयल एनफील्ड की चला लो या फिर कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर की बाइक चला लो, इसकी सीट जितना कंफर्ट आपको देती है ना, बाइक के ऊपर सो जाऊंगा। ये बाइक में आपको कस्टमाइज सीट मिलती है, जैसे टूरिंग सीट वगैरह है, लो राइड सीट वगैरह है, वो सब मिलता है। लेकिन ट्रस्ट में, इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट आपको सीट मिलता है ना, उसमें आपको इतना कम्फर्ट मिलता है कि
आपको आफ्टर मार्केट या कस्टमाइज सीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कस्टमाइज सीट आपको कब लगानी है, जब आप टूरिंग वगैरह करते हो या फिर आपकी हाइट थोड़ी कम है, जैसे शॉर्ट हाइट के जो राइडर होते हैं, तो वो जब रिक्वायरमेंट अगर आपको होता है तब आप लो राइड, जिसके अंदर मुझे लगता है कि 15-20 mm सीट हाइट कम हो जाती है, वो आप लगा सकते हैं। आप ज़्यादा टूरिंग करते हैं तो टूरिंग सीट आती है, वो आप लगवा सकते हैं। पिलियन का सीट कंफर्ट भी नेक्स्ट लेवल है, तो आपको इसमें आफ्टर मार्केट सीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल क्रूजर बाइक इंडिया में, ये प्राइस में मैंने चलाई है। और सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है इसके ब्रेक्स। आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक चला लो, कोई भी बाइक चला लो, बुलेट चला लो, आप क्लासिक चला लो, या फिर GT 650 और इंटरसेप्टर 650 चला लो, 650s का तो एक अलग लेवल है उनका ब्रेकिंग तो, लेकिन इनकी जो लोअर सीसी की बाइक्स है उनके जैसे ब्रेक होते हैं, उससे अगर मैं ये बाइक को कंपेयर करूँ ना, तो ये बाइक के ब्रेक बहुत अच्छे हैं। आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि बाइक ब्रेक मारने के टाइम पे आपको आउट ऑफ कंट्रोल लेके जा रही है, या फिर आपको यू नो सेफ फील नहीं हो रहा है। सो ये 5 से 6 पॉइंट्स है जो मुझे है ना ये बाइक में बहुत अच्छे लगे। मतलब अगर मुझे कंपेयर करना है ये प्राइस में दूसरे बाइक से, तो मैं डेफिनेटली ये बाइक लूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको जो मैंने बताई है ना, वो रियल लाइफ में, डेली लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मायने रखती है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा ओपिनियन था। अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है और आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो ये बाइक के लिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स फ्री है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका और कुछ क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं ये बाइक के बारे में कुछ भी, तो आप डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे पिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी इतू सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के बाद में जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन है उसको भी दबाएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइड सेफ, बाय बाय, टेक केयर।